हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, शहीद भगत सिंह कॉलेज, एंड आई वेलकम यू ऑल इन नॉलेज डेसिमिनेशन सेंटर ऑफ शहीद भगत सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड इट्स इकोनॉमिक्स सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट। लेट मी एक्सप्लेन यू द सेम विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल एंड nominal interest rate. Okay, so let me define these two terms first. So what is nominal interest rate? Nominal interest rate is the interest rate that give you return in nominal terms. So the interest rate in which we consider the nominal returns, that is return or returns in terms of money, return in terms of money, whereas your real interest rate is the interest rate in which we consider the returns in terms of quantity or purchasing power. So there are two kind of rate of return. One is nominal return or nominal interest rate and real interest rate. Nominal interest rate, in nominal interest rate, we consider return in terms of nominal amount or nominal value, that is money. Whereas in real interest rate, we consider return in terms of purchasing power or in terms of quantity. Let me explain you this concept with a realistic and a beautiful example of Raghuramji Rajan. So there was an incident where a lot of retiree wrote a letter to Raghuramji Rajan, and he was the governor of RBI, and asked him, in fact requested him, to increase the rate of return on their FD. So they request him that earlier they were getting 10% rate of return on their FD and now they are getting only 8% return. And they request him to kindly increase the rate of return on FD. Then Raghuram Rajan replied them to that, say, now you are getting less rate of return. Maybe you are getting less rate of return, but in actual terms, in real terms, you are getting more. Now, ये कैसे हुआ पॉसिबल कि पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रहा था, अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिल रहा है, बट रियल टर्म्स में आपको ज्यादा मिल रहा है। तो वो रिटायरीज को समझ में नहीं आई बात, तो रघुराम राजन ने उनको एक एग्जांपल से समझाई, और सेम एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल वेयर अ इंडिविजुअल हैज 1 लाख रुपीज। एक इंडिविजुअल है जिसके पास 1 लाख रुपए है टू इन्वेस्ट, और अगर ये बंदा, ये इंडिविजुअल इस अमाउंट को इन्वेस्ट ना करे, रेदर इस अमाउंट को वो आज ही कंजम्पशन में यूज ले ले, कंजम्पशन में ले ले, तो अगर वो इस 1 लाख रुपए की चीज को या 1 लाख रुपए की अमाउंट को आज ही कंज्यूम कर लेता है, तो कितना कंज्यूम कर पाएगा या कितनी क्वांटिटी बाय कर पाएगा? लेट्स टेक अ एग्जांपल कि हमारे पास एक डोसा है, हमारे पास पूरी इकोनॉमी में एक ही कमोडिटी है सिंप्लिसिटी के लिए, दैट इज डोसा, और उसका जो प्राइस है वो 50 रुपीज है। तो अगर ये इंडिविजुअल इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट ना करे और इस अमाउंट को आज ही यूज करे अपनी कंजम्पशन में, तो वो कितने डोसाज खरीद पाएगा? जो अमाउंट डोसा की 50 रुपीज है, तो 50 रुपीज में आई गेस वो 2000 डोसाज खरीद पाएगा। ओके, नाउ ये इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि इस अमाउंट को आज मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, रेदर इस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। अब जब वो इन्वेस्ट करने जाता है तो ही हैज टू ऑप्शंस, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए, इन प्रोजेक्ट ए लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही विल गेट अ रिटर्न ऑफ 10%। प्रोजेक्ट ए में अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 10% मिलेगा, और यही अमाउंट अगर वो प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट कर देता है तो उसको जो रिटर्न मिलेगा वो 8% मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, तो अगर वो प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करेगा तो उसको 10% का रिटर्न मिलेगा, और प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको 8% का रिटर्न मिलेगा। ओके,
ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट ए में वो 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करता है तो 10% का रिटर्न मिलेगा, मतलब जो अमाउंट मिलेगी वो 10,000 रुपीज मिलेगी। और अगर वो प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करता है सेम अमाउंट को तो रेट ऑफ रिटर्न कम है, सिर्फ 8% का है, तो उसको अमाउंट में 8,000 रुपीज मिलेगा। अगर आप इन दोनों ही अमाउंट को देखें तो जाहिर सी बात है कोई भी लेमन इनफैक्ट ये कह देगा कि इस इंडिविजुअल को प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहां पे जो रिटर्न है वो 10% का है और प्रोजेक्ट बी में सिर्फ रिटर्न 8% का है। तो प्रोजेक्ट ए में क्योंकि रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी, तो किसी भी इंडिविजुअल या इस इंडिविजुअल को प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये कहानी अब तक तब तक है जब तक हम सिर्फ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, नॉमिनल रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें रियल इंटरेस्ट रेट की, सर रियल इंटरेस्ट रेट ही मतलब अगर हम इसमें इन्फ्लेशन के फैक्टर को भी एड ऑन कर दें, मतलब सर अगर प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये रिटर्न कम मिलेगी जब पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और ईयर एंड में ये रिटर्न मिलेगी, तो ईयर एंड में क्या डोसा के प्राइस 50 ही रहेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, तो डोसा के प्राइसेस भी तो चेंज हो सकते हैं, मतलब इन्फ्लेशन आ सकता है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स व्हिच वी कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई क्या होती है? कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजों के प्राइसेस कितने इंक्रीज हुए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि प्रोजेक्ट ए के केस में जो इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी में 10% से आ जाता है। प्रोजेक्ट ए के केस में सपोज जो इन्फ्लेशन है वो 10% से आ जाता है और प्रोजेक्ट बी में अगर वो इन्वेस्ट करता है तो इन्फ्लेशन 5.5% से आता है। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों अगर आप प्रोजेक्ट ए के केस में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन कितने से आएगा? 10% से, मतलब जो डोसा ईयर की बिगिनिंग में 50 रुपीज का था सेम डोसा 10% से बढ़ जाएगा, उसका प्राइस 10% से बढ़ जाएगा और उसका प्राइस क्या हो जाएगा प्रोजेक्ट ए के केस में? 55 रुपीज। क्यों सर? क्योंकि 10% का इन्फ्लेशन आया है, 50 रुपीज ओरिजिनल प्राइस और 10% का इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन 5 रुपए का आया है। तो 50 रुपीज प्लस 5 तो डोसा के प्राइस हो गए 55 रुपीज। ठीक है, प्रोजेक्ट बी के केस में सेम डोसा का प्राइस हो जाएगा 52.75 रुपीज। 52.75 रुपीज कैसे सर? 50 रुपीज उसका ओरिजिनल प्राइस था और इन्फ्लेशन कितने से है? 5.5% से। तो अगर आप जब इसको एड ऑन करेंगे तो इन डोसा का प्राइस आ जाएगा 52.75। तो अब देखिए प्रोजेक्ट ए में रिटर्न मिल रही है, नॉमिनल रिटर्न मिल रही है 10% की, लेकिन महंगाई कितने से आ जा रही है? 10% से। 10% से मतलब जो चीज कल तक 50 रुपए की थी वो 55 रुपीज की हो जाएगी। प्रोजेक्ट बी में आपको जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है या नॉमिनल रिटर्न मिलेगी वो 8% की मिलेगी और प्रोजेक्ट बी में जो इन्फ्लेशन होगा वो 5.5 से आएगा। दैट इज जो चीज 50 रुपीज की थी उसका प्राइस 52.75 रुपीज हो जाएगा। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे अब आपको समझना है कि क्या डिफरेंस आ जाएगी। अब देखते हैं, कंक्लूड करते हैं, प्रोजेक्ट ए के केस में ये इंडिविजुअल के पास कितने रुपए हैं? 1,10,000 रुपीज, मतलब 1,10,000। कैसे? 1 लाख जो उसके ओरिजिनल रिटर्न मिलेंगे उसको प्रिंसिपल अमाउंट और रिटर्न कितनी मिली? 10,000 की। तो ईयर एंड में उसके पास कितने रुपए हैं प्रोजेक्ट ए के केस में? 1,10,000 रुपीज। पर क्या डोसा का प्राइस 50 ही है? नहीं, डोसा का प्राइस कितना हो चुका है? 55। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सेम 2,000 आएगा। तो ये क्या हुआ? प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करने पे ये इंडिविजुअल कितने डोसा खरीद पा रहा है? 2,000 डोसा ओनली। ये तो वो बिना इन्वेस्ट करे भी खरीद पा रहा था। तो मतलब मैंने प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट किया, 1 साल वेट किया कि मैं डोसा कंज्यूम ना करूं ताकि मैं ईयर एंड में ज्यादा डोसाज खरीद पाऊं, या कोई और कमोडिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर भी 1 साल वेट करने के बाद भी मैं सेम क्वांटिटी ऑफ डोसाज खरीद पा रहा हूं, तो क्या फायदा हुआ? तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट ए क्या हो गया? प्रोजेक्ट ए अनअट्रैक्टिव हो गया। ठीक है, बट प्रोजेक्ट ए में आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा था 10% का, बट स्टिल
रियल टर्म्स में मुझे लग रहा है आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट अगर हम प्रोजेक्ट बी में देखें तो सेम इंडिविजुअल के पास ईयर एंड में कितने रुपीज है, 1,08,000 रुपीज, 1,00,000 प्रिंसिपल अमाउंट और 8,000 रुपीज की जो नॉर्मल रिटर्न मिली। पर डोसा का प्राइस भी बढ़ गया है, कितना हो गया, 52.75 रुपीज। ओके, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन माई कैलकुलेशन, द क्वांटिटी यू विल गेट इज 2047 डोसा। तो ईयर बिगिनिंग में आप बिफोर इन्वेस्टमेंट कितने डोसा खरीद पा रहे थे, कितने डोसा खरीद पा रहे थे, 2000। प्रोजेक्ट बी में आपने इन्वेस्ट किया, कितने डोसा खरीद पा रहे हो, 2047। कितने एडिशनल डोसा खरीद पाए, 47। तो कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट बी। बट रिमेंबर कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 8%। तो समटाइम्स आपको लगता है कि नॉमिनल टर्म्स में कुछ चीजें अट्रैक्टिव लगती है, बट रियल टर्म्स में शायद वो उतनी अट्रैक्टिव ना हो। आपके सामने एग्जाम्पल है, सर तो हम क्या बार बार जब हम बैंक में इन्वेस्ट करने जाएंगे, एफडी में इन्वेस्ट करने जाएंगे, तो क्या हम ऐसे करके देखें, नहीं करके देखें। तो इकोनॉमिक्स ने एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला दिया, एक छोटा सा फॉर्मूला दिया आपको इस सब को करने से बचने के लिए। एंड द फॉर्मूला इज रियल इंटरेस्ट रेट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। देखते प्रोजेक्ट ए के केस में एंड प्रोजेक्ट बी के केस में। प्रोजेक्ट ए के केस में नॉमिनल रिटर्न 10%, इन्फ्लेशन 10%, तो रियल रिटर्न कितनी आ गई, 0%। यस, 2000 कुछ नहीं एड ऑन हुआ था, 0%। बट इन्फ्लेशन भी कम था, 5.5%। सो कितनी रिटर्न आई, 2.5%। यस, यही बात रघुराम राजन ने अपने रिटायरीज को समझाई कि भले ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है अभी, पर इन्फ्लेशन भी कम है, सो इन रियल टर्म्स यू आर गेटिंग मोर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को समझा। लेट मी टेल यू इन ब्रीफ, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में हम प्राइसेस को कंसिडर नहीं करते हैं, इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ मनी की टर्म्स में रिटर्न को देखते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट में हम प्राइसेस के चेंज को या इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करते हैं, और जो रिटर्न्स देखते हैं वो रियल टर्म्स में देखते हैं, परचेजिंग पावर के टर्म्स में देखते हैं, रेदर देन लुकिंग एट रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। सो आज हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझा है, रियल एंड इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह एक और नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब तक बने रहिए, थैंक यू।